उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चटनी। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत सारे लोगों को बनानी आती भी होगी, लेकिन आप अगर मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। और ये चटनी जो है आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, लाइक आप आलू के पराठे के साथ खा सकते हैं, या फिर मैंने जो एग पराठा बनाना बताया है अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आप अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो रेसिपी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वो पराठा इस चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे ये रेसिपी जो है ना, आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम लोग जो है वो दो तीन रेसिपीज शूट करें। तो ये रेसिपी जो है वो मेरी अपकमिंग रेसिपी में भी यूज़ होगी, इसलिए मैंने आपको जो है ये पहले बता दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें चाहिए पुदीना, ये मेरे पास हाफ कप है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे एक गिलास पानी है, लेकिन ये एक गिलास नहीं डलेगा, तो ये तकरीबन एक से दो से पानी एज रिक्वायर्ड आप इसे कर लेंगे, जितना हंसबे ज़रूरत पानी आपने उतना ले लेना है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स है, यानी लहसुन के जवे तीन है मेरे पास, थ्री है। साथ ही मेरे पास थ्री ग्रीन चिलीज है, तीन सब्ज मिर्च, वन टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है, वन टी स्पून ही मेरे पास यहाँ पे क्यूमिन सीड्स है यानी ज़ीरा, तो ये मेरे पास कोरिएंडर लीव्स है, ये मेरे पास एक बंच है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। सबसे पहले मैं एक कोरिएंडर को कट कर लूंगी, रफली कटिंग कर लें। जितना कंपल्सरी है बस उतना ही रिमूव किया करें, क्योंकि इसका अपना एक टेस्ट होता है जो बहुत मजे का लगता है ग्रीन चटनी में। धनिया को मैंने रफली कट कर लिया, अब मैं ग्रीन चिलीज को भी कट कर लेती हूँ, उसको भी हम रफली कट करेंगे। सब्ज मिर्च और धनिया मैंने काट लिया है, अब मैं इसे ग्राइंडर जग में डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार या मिक्सी में भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें पुदीना ऐड कर लेती हूँ, साथ ही इसमें नमक जाएगा, जीरा, लहसुन, एक से पानी डाला है, और अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी। मज़ेदार धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है, बहुत टेस्टी बनती है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरी रेसिपी को एटलीस्ट वन टाइम ज़रूर ट्राई किया करें। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।